हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है। मतदान से ठीक पहले रोहतास की बिहरी विधानसभा, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उसके बाद चर्चा ये हो रही है कि क्या बिहार में जाति की राजनीति फिर शुरू हो गई। बीजेपी और जेडीयू के नेता हमलावर हैं तो आरजेडी सफाई दे रही है। नौकरी के वादे के साथ जिस चुनावी महाभारत की तेजस्वी ने शुरुआत की थी, अब तेजस्वी उसमें जाति का जिन्ह लेकर घुस आए हैं। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। कहा जाता है कि बिहार में बिना जाति के चुनाव संभव नहीं। अब तक रोजगार और विकास के पैमाने पर चुनाव में वोट लेने देने की बात हो रही थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव फिर से जाति की पटरी पर चुनाव को ले आए। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। लालू राबड़ी के जमाने में जाति के जहर ने ही बिहार को विकास की पटरी से उतारा था। अब उनके बेटे तेजस्वी यादव उसी लाइन पर लौटने लगे हैं। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता, लिहाजा बात तो निकल चुकी है। अब उसे घुमा फिरा कर सबके साथ की बात कहकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। ब्लॉक और थाने से लेके सचिवालय तक भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार जो बाबुओं का भ्रष्टाचार है, साहिबाना मिजाज के लोगों का भ्रष्टाचार है, आज नागवार बुझ रहा है। कुछ लोग इसको स्पिन डॉक्टर्स स्पिन दे रहे हैं कि किनको कहा, अरे भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के अधिकारियों के लिए कहा गया। अब ये बात किनको बुरी लगी, नीतीश जी के सिवा सलाद। लेकिन विरोधियों ने तेजस्वी के इस बयान को मुद्दा बना लिया। जेडीयू ने तेजस्वी के बयान को राजपूतों पर किए गए जुबानी वार से जोड़ दिया है और उदाहरण के लिए रघुवंश बाबू का नाम लिया। आज बाबू साहब शब्द के जरिए बिहार में ठाकुरों को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है और ठाकुरों को लेकर के उनकी जो नाराजगी है वो पहले से जग जाहिर है। इसलिए कि जिस तरह से रघुवंश साहू को जीवन के आखिरी क्षण तक यंत्रणा और अपमान के जरिए उन्हें असमय मौत की गोद में सोने के लिए विवश किया गया, उनके मरने के बाद भी उनके खिलाफ अनेक बातें उनकी पार्टी के नेताओं ने कहे। आपको बता दें कि तेजस्वी के पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी जातीय समीकरण को बैठाने के लिए भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। बाबू साहब वाले बयान के बाद लालू का पुराना बयान चुनावी मार्केट में आ गया है। और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है, पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनका खात्मा कर दो और जिनके बल पर पूरी राजनीति करते रहे, आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। जीतन राम मांझी ने तो राजपूत सम्मान से छोड़ते हुए तेजस्वी से बयान पर माफी मांगने की बात कह दी। मांझी ने लिखा, जीतन मांझी के रहते किसकी हिम्मत है जो वीर राजपूतों की छाती पर लात मार दे। आपके पिता भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ को साफ करने की बात कहते थे और आप देश के लिए लड़ने वाले राजपूतों की छाती पर चढ़कर राज करने का सपना देख रहे हैं, माफी मांगिए। बिहार में कुल 15% सवर्ण वोटर हैं। सवर्णों में राजपूत की आबादी सबसे ज्यादा है। बिहार में राजपूत मतदाता करीब 5% से ज्यादा है। राजपूत और बाकी सवर्ण जातियां बीजेपी का वोट बैंक मानी जाती है। माना जा रहा था कि पिता लालू की राजनीति से अलग तेजस्वी सवर्णों को भी लेकर चलने की राजनीति कर रहे हैं। आरजेडी ने सवर्णों में सबसे ज्यादा टिकट भी राजपूतों को दिया है, लेकिन तेजस्वी के बाबू साहब वाले बयान से आरजेडी के समर्थक राजपूत वोटर नाराज हो सकते हैं। यादव जिंदाबाद।